अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमेर है और मैं फर्स्ट प्रॉफ डीएम का स्टूडेंट हूँ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नडो जाम के। और आज जो मैं आपको बताऊंगा, ये असाइनमेंट हमें सर अलाबख्श कछीवाल ने दी थी और जिसका मोटिव है टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप। मेरे साथ हमारे पास शहबाज अली राजपर, शफकत हुसैन रेन, नवाब हालात, वारिस अमरो, मुतवक्कल, शुएब अली काका, यासिर अली, सजाद अली, शफी मोहम्मद और ताहिर हुसैन जो है हमारे सामिंग। सो ब्लड ग्रुप लर्न करने के बाद हमारे पास जो मेन मोटिव, जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो सीखनी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो किस से हम डोनेट कर सकते हैं और किस से हम रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली मेन जो मोटिव है वो हमारा आज का ये। तो इसके अंदर हम कंसेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप ये सीखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि जो वो हमारे पास जो पेशेंट है या जो डोनर है वो हमारे पास उसका ब्लड ग्रुप क्या है जिससे वो शेयर कर सकते। सबसे मेन जो हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसे हम कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जो कि एबीओ एंटीजेंस पे डिपेंड करता है। ये 1901 के अंदर हमारे पास एक साइंसदान थे जिनका नाम था कार्ल लेस्टिनर, उन्होंने जो हमारे पास इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और इसका जो मेन मकसद था वो रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये हम जो है वो आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मेनली हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो 8 ब्लड ग्रुप जो हमारे पास होते हैं जिसके अंदर जो ब्लड ग्रुप शामिल है वो आपको आगे बताता हूँ। इसके अंदर अब हम देखें कि अगर किसी आरबीसी के ऊपर या किसी जो फैक्टर है उसके ऊपर अगर जो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो हमारे पास ए होगा, अगर बी प्रेजेंट होगा तो उसका हमारे पास जो ब्लड ग्रुप वो बी होगा, अगर ए बी प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो हमारे पास ओ होगा। डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल चाहिए होता है, जिस मटेरियल के अंदर हमारे पास सबसे पहले स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड चाहिए होती है, उसके बाद लेंसेट डिवाइस चाहिए होती है, उसके बाद हमारे पास एंटी सीरा किट, इसके अलावा हमारे पास जो एसेंशियल चीजें हैं जिसके अंदर कॉटन शामिल है, स्पिरिट शामिल है और स्टीरर, जो हमें हमारे पास ब्लड ड्रॉप्स को मिक्स करने के लिए जो स्टीरर भी हमें चाहिए होगा। हमारे पास सबसे इजी है, इतना कोई खास प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहले हमारे पास 3 ग्लास स्लाइड जो हमारे पास लेनी होती है, उस स्लाइड के ऊपर सबसे पहले लेंसेट डिवाइस के साथ हमारे पास फिंगर को पंचर करना होता है। पंचर करने के बाद हर एक स्लाइड के ऊपर एक एक ड्रॉप लिया जाता है, एक एक ड्रॉप लेने के बाद हमारे पास पंचर जो फिंगर है उसके ऊपर कॉटन रख के उसको होल्ड टाइट करना होता है ताकि जो ब्लड है वो हमारे पास वहाँ पे क्लॉट हो जाए। उसके बाद जब आपने 3 ड्रॉप्स ले लिए, 3 ड्रॉप्स लेने के बाद आपके पास एंटी सीरा किट होगी। एंटी सीरा ए आप एक स्लाइड के अंदर डालेंगे, एंटी सीरा बी आप बी स्लाइड के अंदर डालेंगे और एंटी सीरा डी आप स्लाइड डी के अंदर डालेंगे। उसके बाद आपको जो देखना है वो हमारे पास एग्लूटिनेशन है कि एग्लूटिनेशन किसके अंदर होती है। एक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्लाइड ए के अंदर जो वो ड्रॉप है उसकी एग्लूटिनेशन हो गई है और बाकी किसी की भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई है तो हमारे पास जो ब्लड होगा वो ए नेगेटिव होगा या ए जिसे हम कहते हैं। अगर इसी तरीके से स्लाइड बी का जो वो एग्लूटिनेशन होती है तो वो बी का होगा, अगर जो हमारे पास ए बी होती है तो वो हमारे पास ए बी कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अब हमारे पास जो फंक्शन है डी, जो हमारे पास स्लाइड थी उसकी एग्लूटिनेशन के ऊपर है कि अगर ए के साथ हमारे पास स्लाइड डी एग्लूटिनेट करती है तो वो ए पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ए के साथ बी के साथ जो हमारे पास करती है तो वो बी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर तीनों ही स्लाइड्स हमारे पास एग्लूटिनेट कर जाती हैं तो उस जो पर्सन है या जो पेशेंट है या जो डोनर है उसका जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी जो हमारे पास स्लाइड एग्लूटिनेट नहीं करती है तो जो ब्लड ग्रुप होगा उसे हम ओ नेगेटिव कहेंगे। करने के बाद जो कि आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, हमारे जो स्लाइड थी उसके अंदर एंटी सीरा ए ने एग्लूटिनेट किया और एंटी सीरा डी ने एग्लूटिनेट किया, जिसका क्लियरली मतलब ये है कि जो रिजल्ट हमें मिला वो हमारे पास ए पॉजिटिव होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ मटीरियल चाहिए और उस मटेरियल का इंट्रोडक्शन या उसका नाम बताने के लिए जिसको मैं बुलाऊंगा उसका नाम है नवाब हालात। डॉक्टर उमेर ने आपको बताया कि आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप करने वाले हैं, उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि सबसे पहले हमें चाहिए स्लाइड हमें चाहिए जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है ए बी डी, उसके बाद हमें चाहिए लेंसेट डिवाइस, उसके बाद हमें चाहिए कॉटन, ये स्पिरिट है, उसके बाद स्टिर करने के लिए हमारे पास मैच स्टिक्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जाहिर सी बात है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंटी सीरा, ये है एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी,
और इंटर जरा डी। मेरा नाम है शुएब अली काका और हम आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये हमारी स्लाइड ए, एक ड्रॉप हम स्लाइड ए में लेंगे, फिर हम एक ड्रॉप स्लाइड बी में लेंगे और एक ड्रॉप हम स्लाइड डी में लेंगे। अब हम डालेंगे एंटी सेरा का ड्रॉप ड्रॉप ए ए स्लाइड में। अब हम करेंगे एंटी सेरा बी का ड्रॉप बी में। और हम लास्ट अगर हमारा बचा है एंटी सेरा डी, जो कि हम स्लाइड डी में ड्रॉप डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे विद आइसक्रीम। अब हमें अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। हमने स्लाइड ए को मिक्सअप कर लिया, अब हम करेंगे मिक्सअप स्लाइड बी को, और लास्ट हमारी स्लाइड बची है डी। अब हम करेंगे स्लाइड डी को मिक्सअप। तो अब हमने तीनों स्लाइड्स को मिक्सअप कर लिया है। हमने ए में ड्रॉप डाला, बी में ड्रॉप डाला, सी में ड्रॉप डाला। उसके बाद हमने स्लाइड ए में एंटी सेरा ए डाला, स्लाइड बी में एंटी सेरा बी डाला और यहाँ पे डी में डी डाला। अब अगर आप ध्यान से देखें, प्लीज़ कैमरा मैन को मैं कहूँगा कि फोकस करें कि ए में ए ग्लूटिनेशन आपको नज़र होते हुए नज़र आ रही है। अब बी में देखें तो बी में आपको ए ग्लूटिनेशन नहीं नज़र आ रही। अगर आप फिर डी में देखें तो वहाँ पर भी आपको ए ग्लूटिनेशन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भाई का हमने ब्लड निकाला है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और डॉक्टर अल्लाह बख्श कछुवाल इस चैनल को सब्सक्राइब करें।